तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से। आज हम निकल चुके हैं, आज हमारा तीसरा दिन है उत्तराखंड में। जैसे कि कल हम लोगों ने ऋषिकेश कवर किया था, हम लोग कल ऋषिकेश के टूर पे गए थे और हमने बताया था कि कल हम लोग देहरादून जाएंगे, तो आज हम लोग देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी हम रुड़की से बस पकड़े हैं देहरादून के लिए और हम रास्ते में हैं, तो हम देहरादून पहुंचकर आपको ISBT बौद्ध टेम्पल और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आज सब दिखाएंगे। उसके साथ जो ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हुई है, वहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, बहुत सारी मूवी वहाँ पे बनी है, तो वो सब चीजें हम आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम दिखाते हैं आपको आज देहरादून की कुछ नज़ारे। आप देख सकते हैं देहरादून जाते वक्त कितने सारे पहाड़ हैं, यहाँ झरने कटे हुए हैं, झील हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। तो दोस्तों, हम लोग ISBT पहुंच गए हैं, वहां पर हमने ऑटो बुक करी है और ऑटो वाले भैया हम लोग को ले जाएंगे FRI। हम लोग FRI के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। ये रहा FRI का मेन गेट और हम लोग टिकट ख़रीद रहे हैं यहाँ से। टिकट काउंटर बना हुआ है यहाँ पर मेन गेट के जस्ट राइट साइड में। ये रहा, ये मेन गेट है और हम लोग अब अंदर निकल चुके हैं। ऑटो वाले भी हम लोग को मेन गेट तक ले जाएंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि गेट से लेकर के FRI के जो मेन अंदर तक जाने का रास्ता है वो भी करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक। तो दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम देहरादून पहुंच चुके हैं और FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कैसा है ये। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ यहाँ की सबसे खास बात मैं बता दूँ कि जो एक मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसकी शूटिंग इसी बिल्डिंग में हुई थी, वो कॉलेज यही दिखाया गया था। अभी हम आपको अंदर चलेंगे तो अंदर से भी चीज़ें दिखाएंगे और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कई 100 एकड़ में मुझे लगता है फैला हुआ है, काफ़ी इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इस एरिया की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज मौसम भी ठंडा, ज़्यादा धूप नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम भी। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी ब्लॉग भी अपना शूट कर लेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, कुछ वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पर शूट करेंगे। तो चलते हैं फिर इसके बारे में और आपको और आगे की जानकारी देते हैं। उसके आगे हमारे बॉस बताएंगे कि और क्या क्या खासियत है यहाँ की। खासियत यहाँ की बहुत सारी है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे। ये इसकी स्थापना जो हुई थी यहाँ 1906 में, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1906 से ये बिल्डिंग यहाँ पे स्टेबलाइज है और आज भी देखने में जितनी खूबसूरत ये 1906 में लगती होगी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत अब लगती है। चारों तरफ इसके जो इन्वायरमेंट है बहुत ही शांति का, बहुत ही पीसफुल। हम लोग यहाँ आए हैं, जैसे उतरे तो मैं अपने दोस्त आता अपने टीम मेंबर से कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सोने का मन कर रहा है। तो ऐसा यहाँ का माहौल है, बहुत ही शांति का माहौल है और चारों तरफ हरियाली है। और बिल्डिंग के तो क्या कहने हैं, ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर कोर्सेज भी चलते हैं फॉरेस्ट्री के रिसर्च में, यहाँ पर कुछ कोर्स चलते हैं, यहाँ पे एडमिशन भी ले जाते हैं, क्लासेस चलती हैं। अभी भी यहाँ पे एक वुड सीज़न का कोई वेबिनार हो रहा है वहाँ पे अंदर। तो अभी हम लोग जैसे पहुँचेंगे सामने ही हमारे बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं भी पहली बार आया हूँ और अपने साथियों के साथ, तो अभी हम सब कवर करेंगे आगे चलते चलते। ये सामने एक झलक इधर से दिखला दीजिए, बाकी फिर हम उधर से मेन एंट्री लेंगे। हाँ, जैसा कि अब हम लोग एंट्री के लिए टिकट लेने चल रहे हैं, अंदर की जो एंट्री होगी उसकी टिकट लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमें दोबारा से टिकट परचेस करनी पड़ी थी अंदर की बिल्डिंग को पूरे देखने के लिए, टहलने घूमने के लिए दोबारा से हमें यहाँ पर टिकट परचेस करनी पड़ी थी। तो ये वो जगह है, आपने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के सॉन्ग में और उसकी मूवी में और भी जगहों पर ही आपने ये सीन देखा होगा। तो ये पूरी गैलरी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और आइए आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, जो क्लासरूम्स वगैरह बने थे उनके, प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह सब यही वो जगह हैं जो आपने मूवी में देख रखी है। ये देखिए,
जो ऑफिस वगैरह बने थे, क्लासरूम्स, इधर सारे क्लासरूम्स वगैरह जो उस पिक्चर में दिखाए गए थे वो सब यही सब है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत शांति है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चारों तरफ दिखा दीजिए, उधर से भी दिखा दो हमारे दर्शकों को, पूरा उतर के यहाँ से दिखा दो ग्राउंड, ऐसे पूरा व्यू दे दो। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग, कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पर ग्रीनरी इतनी खूबसूरती के साथ हैं, क्या बताएं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही शांति है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं जो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, बिल्डिंग को देखने आए हैं, यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं। तो आप भी कभी आइए तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आइएगा, यहाँ पर इंजॉय ज़रूर करिएगा। हेलो गाइस, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम कल आपको FRI कवर कराएंगे, और हम आज पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, और मंजिल भी ऐसी जिसका हम लोगों ने जो है सोचा भी नहीं था, इतनी खूबसूरत होगी ये मंजिल हमारी, हमने ये नहीं सोचा था हम यहाँ पे आए हैं। वाकई में वैसा ही माहौल है जैसा इसके बारे में सुना जाता था। मैं 2-3 साल से बहुत ही यहाँ पहुँचने के लिए एक्साइटेड था। मेरे कुछ मित्र लखनऊ से जो आए थे, इनका YouTube पे चैनल है, तो ये जो लोग आए थे इनकी वजह से मैं आज आ गया हूँ। ये बोले बॉस हमको घुमा दीजिए, तो हम यहाँ पे आए हैं, ये पूरा कवर कर रहे हैं। आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाट यहाँ पे सुन सकते हैं, और क्या पीसफुल यहाँ पे जगह है ये। अगर यहाँ पे हम बिस्तर लाए होते तो शायद सो ही गए होते 1-2 घंटे के लिए। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी यहाँ पे ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, कैसे ये ईंटों से बनाया हुआ है। हमारे जो कैमरामैन है आगे आके आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को, यहाँ की लाइटिंग और यहाँ की जो वुड है, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो जो यहाँ पे विंडो हैं वो भी एकदम स्पेशल बनी हुई है। ये वाली दिखा दीजिए इधर, और ये देखिए विंडो यहाँ पे सीधा जो है सागवान की, चीड़ की और साल की लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पे तरह तरह की रिसर्च होती है, नए नए पेड़ पौधों के लिए रिसर्च होती है। और यहाँ की क्या डिज़ाइनिंग है, यहाँ की छत दिखा दीजिए एक बार, ज़रा एक बार छत का दृश्य देखिए आप, क्या देखने लायक है। और हमें लग रहा है यहाँ पे एसी कूलर की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मौसम यहाँ पे इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, और जो यहाँ के बैठने के लिए टेबल वगैरह बनी हुई हैं उनकी भी खूबसूरती अलग ही है। और ये लकड़ी की यहाँ पे सब बनी हुई है, इसीलिए इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है ना। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग अगर कभी मौका पाएँ, कभी अपनी लाइफ में फ्री टाइम हो आप लोगों का या घूमने का मन करे, तो आप लोग अगर देहरादून आएँ तो देहरादून आके आप यहाँ पे FRI में ज़रूर घूमिएगा। देहरादून ISBT से ये सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक वाकई में जेन्युइन बता रहे हैं आपको कि घूमने की जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लगेगा। फ़ोटोज़ बहुत अच्छे से क्लिक कर सकते हैं आप, यहाँ पे अपने कोई सॉन्ग कवर कर सकते हैं, आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इधर कैंटीन है, वहाँ पे हर तरह की जो है फास्ट फूड वगैरह आपको सब मिलेंगी, सब सब तरह की ड्रिंक्स आपको वहाँ पे मिलेगी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और थोड़ा इन लोगों से पूछ सकते हैं आप, देखो ये हमारे मित्रगण हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट और आए हैं यहाँ पे, साथ ही लोग कहीं से आए हैं, इन लोगों से पूछते हैं, ये लोग यहाँ का मुआयना कर चुके हैं, इनको यहाँ पे कैसा लगा घूम के, हमारे दोस्त बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, जो मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर यहाँ पे शूट हुई थी उसी को हम भी लोग देखने ही आए, विजिट करने ही आए हैं। आप लोग तो कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं। ये लोग बिहार से आए हैं और हम लोग लखनऊ से यहाँ पे आए हैं। ये लोग हमारे से भी 500 किलोमीटर आगे से आए हैं, लगभग 500 किलोमीटर होगा बिहार वहाँ से, तो ये लोग बिहार से इतनी दूर से। अब सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, कि बिहार से लोग यहाँ पे विजिट करने आए हैं, क्योंकि इसको इतना स्पेशल बनाया हुआ है यहाँ पे चीज़ों को। और हम यहाँ कार्यालय के सामने ही खड़े हैं, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार भाई हमारे साथ हैं और इन्हीं के दो साथी और हैं, इनसे नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी हैं और ये हैं प्रिंस राज। ये प्रिंस है और हमारे साथ एक हमारे टीम मेंबर भी प्रिंस है जो हमारे सामने खड़े हैं, है ना। तो हमें अपने साथियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी उधर से आए हैं लखनऊ से, है ना। चलिए घूमते रहिए, उधर आप जाएंगे उधर भी बहुत अच्छा है, उधर वहाँ। तो यहाँ पर हमारे सॉन्ग्स के लिए, हमारे शॉर्ट्स के लिए वीडियो क्लिप तैयार होना शुरू हो गए, यहाँ पर सब शूटिंग चालू हो गई है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी देखिए वीडियो शूट हो रही है, शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर गाने तैयार हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग हमारे सारे शॉर्ट्स की और वीडियोस की हो रही है।
डांस देखिए क्या बेहतरीन डांस हो रहा और यहाँ बॉस हमारे पोज पे पोज दिए जा रहे हैं, अपनी वीडियो शूट कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो इनकी बन रही है, एडिटिंग के बाद और भी निखर के आएगी और भी अच्छी वीडियोस बनेगी। बस ऐसे ही फ़ोटोज़ और वीडियोस हम अभी ले रहे हैं, आगे फिर चलेंगे आपको कुछ और भी दिखाएंगे इससे थोड़ा सा बाहर निकल करके दूसरे बिल्डिंग में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिल्डिंग के दूसरे छोर पे, जो मैंने बताया था हम दूसरी तरफ चलेंगे, अब हम वहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत बड़ी फील्ड है और बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी वॉइस में बोला था, रिकॉर्डिंग हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वॉइस जो है यहाँ पर प्रॉपर आई नहीं है, बहुत मतलब साइलेंट रह गया। पता नहीं क्या इशू था, माइक का इशू था या क्या दिक्कत आई थी। हाँ, तो हम लोगों ने जो इस पूरे एरिया के बारे में जिन बातों का जिक्र किया था वो बातें रह गई हैं। फिर भी इस पूरी वीडियो में मैं बता रहा था कि इस बिल्डिंग की खूबसूरती के बारे में, आप इस एरिया के बारे में बता रहा था कितने खूबसूरत लग रहा है ये पूरा, यहाँ पर पार्क जैसा बना हुआ आगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था सब कुछ, बट वो वॉइस इसमें नहीं रह गई है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, किसी गलती की वजह से रह गई थी। और यहाँ कुछ बंदे लोग शूटिंग भी अपने मतलब फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, तो हम लोग उनसे भी बात किए थे, तो अभी वो भी सीन आएगा यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए थे यहाँ, इनसे बात कर रहे थे। हाँ, इतना मुझे याद है कि ये भाई वाले हैं, बट यहाँ पर आकर के ये लोग पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर देहरादून में ही पढ़ाई करते हैं। और जब भी छुट्टी मिलती है तो ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोटोशूट वगैरह करने अपना आ जाते हैं। तो इन भाई लोगों से बात हुई थी, बट वो वॉइस भी इसमें से चली गई है, तो ज़्यादा वॉइस नहीं बची है। तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि इन भाइयों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो अब उनकी ज़ुबानी थी, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारी अपनी शॉर्ट की शूटिंग चल रही है, हम लोग बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे रील्स शूट कर रहे थे, बहुत ही फनी था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और काला चश्मा पर भी था, ये देखिए काला चश्मा पर भी, ये डिची 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 डिच। तो जैसा कि काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर थे, बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ हम लोगों ने शूट कर लिए, कुछ रील्स वगैरह भी बना लिए हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। धूप यहाँ पे आ रही है जा रही है बार बार, कंटिन्यू नहीं बनी हुई है, सबसे अच्छी बात यह है। तो अच्छे से हम लोगों की फ़ोटो शूट वीडियो शूट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। गाइस बहुत थक गए हम लोग, गाइस बहुत ही थकावट, ये नहीं पकड़ने आने वाली यहाँ। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी एंजॉय कर लिए हैं यहाँ पर, काफ़ी वीडियो शॉर्ट्स के लिए और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो चुकी हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे धूप प्रॉपर बनी नहीं है अभी, तो जैसे धूप आ रही है जा रही है, दोनों सिलसिला लगा हुआ, हवा भी अच्छी चल रही है, ठंडी चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा हम लोगों को। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं जो अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी कभी इधर आइएगा तो घूमने ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, काफ़ी शांति है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, अब हम लोग बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने कैंटीन एरिया में आ गए हैं। वीडियो बना रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों कैंटीन से हम लोग बाहर आ चुके हैं, लंच हम लोगों का हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे बुद्धा टेंपल। बुद्धा टेंपल की जो बची वीडियो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, फोर्थ पार्ट में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।